26 जनवरी कल है और आप अभी से तिरंगा लहरा रहे हो। मुझे तिरंगा लहराने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ता अंजलि, मेरे दिल में तो 365 दिन ये तिरंगा लहराता है। अच्छा माधवी, ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? देखिए, आप भले ही शिक्षक हो लेकिन सोनू को मैं भी पढ़ाती हूँ, मुझे पूरे देश का वर्तमान, इतिहास, भूगोल सब पता है। तुम्हारी बात अलग है माधवी, तुम्हें तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कितने पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया। तो आप उनकी परीक्षा लो ना, मुझे बहुत सारा काम है। अरे माधवी, अप्रतिम आइडिया। दया चाय लाना। पापा, आज रात को आपको मुझे 3D पिक्चर दिखाने ले जाना ही पड़ेगा। आज पक्का टपुआ, दुकान से आते ही हम निकल जाएंगे। ये नहीं भाई, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। आज रात को सब लोग जल्दी सोएंगे और कल सुबह जल्दी उठेंगे। कल जल्दी क्यों बाबूजी? ये क्यों वाली, भूल गया? कल 26 जनवरी है। अरे हाँ, सोसाइटी में ध्वज वंदन नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल। टकुड़ा, तुझे पता है मैं जब छोटा था तो मैं और मेरे सारे दोस्त 26 जनवरी के दिन सुबह 5 बजे उठ के प्रभात फेरी के लिए निकल जाते थे। दादाजी, प्रभात फेरी मतलब? प्रभात फेरी मतलब हम लोग पूरे गांव में गली गली घूम कर नारे लगाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे वाह दादाजी। वाह वाह बापू जी, अभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। नहीं टपो, तो आज रात का पिक्चर कैंसिल, जल्दी सो जाना और कल सुबह जल्दी उठ जाना भाई। ओके पापा। और भाई तू, तेरा क्या? मैंने, मैं भी उठ जाऊंगा, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र बाबू जी। जय जिनेन्द्र। चलो चलो टप्पू बेटा, चलो जल्दी। चन्ना है अपनी मर्जी का। जेड़ा भाई गुड मॉर्निंग। ओ सोटे गुड मॉर्निंग। किसने? मैं बस ऐसे बगीचे में लट्टर मारने। अरे मैं भी यार वही जा रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, ग्राहक जा रहा हूँ दुकान पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। मजाक। चलो ये क्या पूरे साल के सुविचार है जिसको एक ही बार में लिख डालने हैं क्या? आओ जरा टाइम पास करते हैं। चलो गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई, आज यह सोसाइटी कंपाउंड में ट्यूशन क्लास चालू किया है? है? क्या क्या लिखा है? गोकुलधाम वासियों को सूचित किया जाता है कि आज 25 जनवरी के दिन सोसाइटी में रात को देशभक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। अच्छा, और हमारे महान भारत देश पर सभी को वक्तव्य देना है। वक्तव्य? वक्तव्य क्या है भाई? स्पीच। अच्छा स्पीच। हाँ अरे वाह, जीतने वाले को शानदार थर्मास मिलेगा। थर्मास? ये थर्मास क्या है? थर्मास वो चीज होती है जिसमें ठंडी चीज ठंडी रहती है और गर्म चीज गर्म रहती है। ओ थर्मोस। ओ थर्मोस होता है, थर्मास नहीं। थर्मास क्या लिखा है? नहीं लिखते वक्त लेकिन ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा भाई, यह शिक्षक है उसको ज्यादा पता भाई। ठीक है ठीक है। अच्छा आइडिया अच्छा है, लेकिन वो एक शब्द रह गया लिखने का। क्या? वो हमारे मान भारत देश पर सभी बच्चों को वक्तव्य देना है, वो बच्चों लिखना रह गया। सभी को वक्तव्य देना है जेठाना, सिर्फ बच्चों को नहीं। मतलब हम बड़े लोगों को भी? हाँ। हम डांडा डांडा लोगों को भी? बिल्कुल। भाई पागल हो गया क्या? अरे भाई ये उम्र में क्या स्पीच भी देने की बात कर रहा है तू? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हो? अरे हूँ, बिल्कुल नागरिक हूँ भाई। तुम अपने देश से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। तो फिर देश के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? अरे दो क्या, 3 शब्द बोल सकता हूँ। मेरा भारत महान,
लेकिन पूरा स्पीच बोलने का बोलेगा तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम आएगा नहीं साड़ी? और नहीं मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या मैं तो 10 10 स्पीच बोल सकता हूँ। और पिनू पता क्या बोलना है? शाबाश सोड़ी। हाँ तो ये सोड़ी बोल सकता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता और कोई तैयार होगा। अरे इसमें तैयारी क्या? अरे अय्यर साहब, हाँ जरा एक मिनट प्लीज। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ आत्माराम बोलो। हाँ अय्यर साहब, आज हमने देशभक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है तो सभी को देशभक्ति पर स्पीच देना है, तो आप देंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आई एम वेरी पैट्रियोटिक। बोलो अय्यर साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहता साहब तो बोलेंगे ही, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है जेठालाल। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम जेठा जी? बबीता जी ये देशभक्ति पर स्पीच नहीं देना चाहते। क्यों जेठा जी, आप अपने देश से प्यार नहीं करते हो? अरे बबीता जी, मैं आपके जितने देश को प्यार करता हूँ। क्या मतलब? जितना बबीता जी देश का प्यार करते हैं उतना ही मैं भी देश का प्यार करता हूँ, ऐसा बोलना चाहता हूँ। अच्छा तो जेठालाल एक बात बताओ, हमारे देश में कितने राज्य हैं? बोला हमारा देश में कितने राज्य है? बबीता जी सवाल तो देखो। अभी नहीं बताऊंगा, रात को स्पीच में। जेठालाल अगर रात को भी याद ना आए ना तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो बबीता। ओके बाय, सी यू ऑल। ओके बबीता जी। ओ यार पिडो, रात को मैं स्पीच देने खड़ा हुआ और दो लाइन से ज्यादा बोल नहीं पाया तो बबीता जी का सामने तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। क्या करूं, मेहता साहब से ट्यूशन लेना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। अरे मेहता साहब आओ आओ भाई आओ बैठो। भैया मैं तुम्हें वापस बात करता हूँ। ओके बोलिए बोलिए मिस्टर परेशान लाल, क्या बात है? अरे आपको कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? भाई जेठालाल जी आप परेशान है ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। पता चल जाता है। कोयला देखा है आपने, जब गर्म होता है तब कैसा लगता है? गर्म? वाह बहुत अच्छे। लेकिन गर्म होता है तब उसका रंग कैसा होता है? लाल घूम। वेरी गुड। जब कोयला गर्म होता है तब उसका रंग लाल होता है, और जब आप परेशान होते हो ना तो आपके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है जेठालाल जी। बोलिए क्या परेशानी है? अरे भाई यार भिड़े ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगाया है क्या, सोसाइटी के प्रोग्राम में सब मर्द लोग ये भारत देश के ऊपर वक्तव्य देंगे। एक मिनट, सिर्फ मर्दों को क्यों? हाँ भाई क्योंकि वक्तव्य देने का अधिकार तो सिर्फ औरतों का है। मर्दों को पहली बार मौका मिला है। वैसे एक बात तो है, भारत देश पे वक्तव्य बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास बढ़िया तड़कता फड़कता भाषण लिख के दीजिए ताकि मैं प्रोग्राम में सबके सामने पढ़ो तो मेरा वट पड़ जाए। कोई जल्दी नहीं है ना? आराम से पूरा दिन आपके पास सोच के एकदम फोकस करके लिखना है। मैं क्या अभी दुकान जा रहा हूँ, शाम को दुकान से जल्दी आ जाऊंगा, आपसे ले लूंगा, ठीक है? चलो थैंक यू। एक मिनट रुकिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर में? बहुत अच्छे, घर कहाँ है? बीविंग में। और ये बीविंग किस जगह की है? गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है? गोरेगांव। वेरी गुड। और गोरेगांव कहाँ बसा हुआ? मुंबई। और मुंबई किस जगह पे है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और महाराष्ट्र कहाँ है? भारत देश। इसका मतलब कुल मिला के आप भारत के नागरिक हैं, आप अफ्रीका या इंग्लैंड के नागरिक नहीं है?
नहीं, भारत का नागरिक हूँ भाई। वाह, क्या नागरिक है! आप जैसे नागरिकों पे तो गर्व होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू जेठालाल। ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं और भारत पे भाषण देने के लिए अपने दोस्तों के पास घूम रहे हैं। क्या आज इनको नॉर्मल खाना खिला दिया? जेठालाल, विषय बदलने की कोशिश मत करो। ये देश के प्रति भावनाओं की बात है, ये देश के प्रति जज्बातों की बात है। बस भाषण देना है, एक औपचारिकता है, और वो भाषण भी किसी और से लिखवा लेंगे। आपकी अपने देशवासी होने के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। अरे इसीलिए तो पूरा टैक्स भरते हैं भाई। टैक्स भर दिया तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, वोट भी करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जेठालाल, और क्रोध भी आता है। 125 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, ये तो सोच लेते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने देश के लिए क्या किया। जिस तरह से मंत्री लोग अपने सचिवों से हर विषय पे भाषण लिखवा लेते हैं, वैसे लिखवा लेंगे भाषण और बोल देंगे, माफ करना जेठालाल, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। देश के प्रति अगर आपको बोलना है तो मैं नहीं लिखूंगा, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। ना ना, लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन क्या अभी दुकान जाना है ना? बहाने, दुकान जाना है। आप जैसे लोगों के लिए किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। माफ करना जेठालाल, मैं आपके इस काम में कोई मदद नहीं करूंगा और मैं ये नहीं लिख के दे सकता। जेठा भाई, आप इनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपने देश के लिए हमारे व्यक्तिगत विचार क्या है वो तो आप ही को लिखने पड़ेंगे। अगर कहीं पे अटक गए तो आप इनके पास आइए ना, ये जरूर सलाह देंगे। कुल मिलाकर आप नहीं लिखेंगे, यही ना? अब क्या लिख के दूं कि मैं नहीं लिख सकता? नहीं नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गया, कोई बात नहीं। अपने देश पे अपना खुद का विचार जेठालाल खुद लिखेगा। जय हिंद। जेठा भाई, चाय तो पी के जाइए, इनको पिलाइए। अब्दुल, बोलिए मास्टर जी, क्या चाहिए? ए, कुछ नहीं चाहिए, बोर्ड पढ़ा कि नहीं? हाँ पढ़ा ना, बहुत बढ़िया है, जीतने वाले को थर्मस मिलेगा। सेक्रेटरी हो तो आप जैसा। हाँ, थैंक यू अब्दुल। अच्छा, सोसाइटी में से तुम्हारी दुकान पर कोई आता जाता है ना, तो उसको बोल देना कि आज के कार्यक्रम में आना कंपलसरी है और स्पीच देना भी कंपलसरी है। जो नहीं आएगा उसको 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा? हाँ, फिर तो इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन? हाँ, 500 रुपया कोई भरने वाला है नहीं, आपस में झगड़े होंगे, बोला है सेक्रेटरी चेंज कर दो, फिर तो इलेक्शन ही होगा ना। अरे भाई, किसी को पैसा नहीं भरना है अब्दुल, ऐसा बोलना पड़ता है तो सब लोग आएंगे। वाह मास्टर जी वाह। आप ऊपर लाल, क्या हुआ? मेरे सोसाइटी के कॉरिडोर में किसी ने पान की पिचकारी मारी है, उसे धुलवा दो। तुम खुद नहीं धो सकते? बिड़े, पिचकारी मेरे घर के अंदर नहीं, विंग के कॉरिडोर में है, और कॉरिडोर सोसाइटी का हिस्सा है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। या तो इसे तुम धुलवा दो या तो पेंट मरवा दो। पेंट मार दूं? भाई, सोसाइटी में इतना फंड नहीं है पोपटलाल। ठीक है, तो फिर मैं सोसाइटी में हर जगह पर पोस्टर लगा दूंगा कि थूकने वाला आदमी गधा होता है। पोपटलाल, नियमों के अनुसार सोसाइटी के किसी भी दीवार पर पोस्टर लगाना मना है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम पेंट मरवाओ या तो मैं पोस्टर लगा दूंगा। अरे अबू, अभी पोपटलाल बोलेगा प्रोग्राम कैंसिल? नहीं नहीं अब्दुल, ऐसी बातों में पोपटलाल कैंसिल नहीं बोलेगा, देखना। बिड़ेप, कैंसिल कैंसिल। सुधा, क्या कैंसिल? क्या ये तुम्हारा कार्यक्रम कैंसिल? क्यों? क्या क्यों? क्या क्यों? तुम्हारे पास सोसाइटी में पेंट करवाने के लिए फंड नहीं है, लेकिन ये डेकोरेशन, सेटिंग, लाइटिंग, ये सब करने के लिए फंड है। पोपटलाल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी की सजावट के लिए जो भी स्टेज, लाइट, कुर्सी वर्सी लगती है ना, वो सोसाइटी ने पहले से खरीदा हुआ है, एक भी रुपए का खर्चा नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं दुनिया हिला दूंगा। क्या पोपटलाल, बात बात पे अड़ जाते हो, बात बात पे कैंसिल कर दो, दुनिया हिला दूंगा बोलते रहते हो। पोपटलाल, तुम भारत देश के जिम्मेदार नागरिक हो, तुम्हारा देश के प्रति कोई कर्तव्य बनता है,
अरे अपने कलम की मदद से लोगों में जागृति पैदा करो, लोगों को उनके कर्तव्य की याद दिलाओ। पोपटलाल, दुनिया को हिलाने के बदले दुनिया को जगाओ, दुनिया में बदल लाओ। वाह भिड़े वाह, आज तुमने मेरे अंदर सोए हुए पत्रकार और भारतीय को जगा दिया। सॉरी, टेंशन में मैं जरा बात की गहराई को समझ नहीं पाया। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, भारत देश पर वक्तव्य स्पर्धा। मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा और ऐसा वक्तव्य तैयार करूंगा कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाएगी। शाबाश। और हाँ, वो जो पान की पिचकारी है ना, उसे मैं खुद धो दूंगा। ओहो, वाह वाह पोपटलाल, क्या बात है। वाह पोपटलाल, वाह, शाबाश। बापूजी, चाय। अरे बहू, आधा कप भी पीना था, ये ज्यादा है। पीवाई जैसे बापूजी। अरे दया, बापूजी दया। अब वापस क्यों आ गया, पेट में गड़बड़ है। जा जा, जल्दी जा। हाँ जल्दी जा, ये बाथरूम खाली ही है। अरे भाई, कुछ नहीं हुआ है पेट में। अच्छा, तो फिर वापस क्यों आ गया। वो मैं बताता हूँ, तू एक काम कर, एक कप चाय लेकर आना। अच्छा, तो चाय पीने के लिए आया है। अरे चाय पीने नहीं, वो तो बापूजी को चाय पीता हुआ देखकर चाय पीने की इच्छा हो गई। अच्छा, तो जब बापूजी योगासन करते हैं तब योगासन करने का मन क्यों नहीं होता है? मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दे बहू, ले भाई। नाना बापूजी लेकर आएगी। अरे मुझे आधा कप ही पीना था, ले ले। लेकिन मुझे पूरा कप पीना है ना। अभी क्या? अरे ले ले भाई। थैंक यू। मगर क्या हुआ, क्या तू वापस क्यों आया? हाँ, क्या हुआ, क्या बाबूजी? अरे वाह, ये तो भिड़े ने बहुत अच्छा सोचा है। और क्या है, बाथरूम। हाँ, तू एक काम कर, फटाफट एक पेन और एक कागज लेके आ। जरूर, लेकिन कौन से कलर की पेन चाहिए, लाल, काली या ब्लू? और कौन सा कलर है आपके पास? वैसे तो ब्लू कलर ही है। तो फिर पूछा क्यों? मौखिक संस्कार। भाई लाना है, लाना है पेन कागज। हाँ हाँ, लेकिन कागज में कौन सा कागज चाहिए, लीटी वाला, चौकड़ी वाला या कोरा कागज? मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ आपका गोडाउन में चलता हूँ, उधर जो मुझे पसंद पड़ेगा अपने हाथ से ले लेता हूँ, चलेगा? गोडाउन? अरे भाई, लाने एक सादा कागज और एक पेन। लाती हूँ, लाती। और सुन, हाँ? अपना वो टप्पू के इतिहास की किताब भी लेकर आना। क्यों? बोला उतना करना, मैं क्यों, क्या क्या वो सब छोड़ना। अच्छा समझी, नकल बाज। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा सोचा, टप्पू की किताब में से भारत देश के ऊपर जो चाहिए सब माहिती मिल जाएगी। अय्यर कृष्णन, आज रात को पता चलेगा भारत देश के बारे में कौन ज्यादा जानता है। लीजिए टप्पू के पापा। लाओ। अरे वाह, ये टप्पू की इतिहास की किताब। अरे बाप रे, क्या हुआ, ये तो इंग्लिश में है। अभी अभी कहते हैं ना, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, लेकिन आज मेरे दोस्त जेठालाल की हालत देख के मैं कहावत थोड़ी सी बदल रहा हूँ। भाषण से गिरे तो अंग्रेजी में अटके, इधर भारत पे भाषण देना है उसकी जानकारी नहीं, और अंग्रेजी की हालत तो आप जानते ही है ना, अंग्रेजी जानते हैं ना, जानकारी है। अब करें तो करें क्या, भाषण की तैयारी करें कैसे? लेकिन सोचिए तो, क्या भारत की जानकारी लेने के लिए हमें किताबों की जरूरत है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे भी। अगर आपसे कहा जाए कि भारत के बारे में एक मिनट बोलिए, तो क्या आप बोल देंगे? आपको पूर्ण जानकारी है? अपने अपने दिलों पे हाथ रखिए और सचमुच कहिए कि हम इस देश के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो जान जाएंगे कि हम इस देश में रहते तो जरूर हैं, लेकिन इस देश के बारे में ज्यादा जानते नहीं। और ये
बहुत अच्छी बात नहीं है मित्रों। जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमारी भाषाओं की, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की तमाम जानकारियां हमारे भीतर होनी चाहिए। लेकिन हम हैं कि जब भी देश की बात आती है औपचारिकता भर कर देते हैं, और देश के लिए कभी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि वतन से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुल्क है हमारी प्राणवायु, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर सब परेशान है कि तैयारी करनी है भारत पे भाषण देने की, और जानकारियों का अभाव है। अब करेंगे क्या मुझे नहीं मालूम, कैसा बोलेंगे मैं नहीं जानता, क्या क्या बोलेंगे ये तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो जब भी बोलेंगे आप तालियां बजाएंगे ये जरूर जानता हूं, उनके भाषण के लिए भी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी, और कितने ठहाके लगाएंगे ये मैं नहीं जानता, देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।